यार, शांत रहो ना। बाहर भाव 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 चला रहे हैं, रिकॉर्ड भी नहीं करने देते हैं। आराम से एक ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये भाव 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 बैकग्राउंड नॉइस। हेलो गाइज, नमस्ते, वणकम, सत श्री अकाल, एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है फिर से एक नया ब्लॉग एंड नया दिन, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा जो मैंने बोला था। तो जो भी बाइकर्स हैं उन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी राइड पर जाते हैं उनको एक चीज़ चाहिए होता है जो कि है एक पंप। मेरे पास आज ये वाला पंप है जो कि है ब्लैक कैट का लिलीपुट, इसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग कहीं भी राइड पर जाते हैं तो खुदा के पंचर हो जाता है हमारा बाइक। अगर पंचर हो जाता है तो आप पंचर किट भी कैरी करते हो फिक्स करने के लिए, बट उसके लिए एक पंप भी कैरी करना पड़ता है। अगर पंचर हो जाता है तो फिर कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि कुछ होना चाहिए आपको। पंचर फिक्स करके एक पंप भी चाहिए होता है जो कि हवा भर पाए और आपका राइड कंटिन्यू, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए मेरे पास आज है एक मेरा नया प्रोडक्ट खरीदा एक्चुअली, जो है कि है ब्लैक कैट का लिलीपुट 12 वॉट डीसी मिनी एयर पंप। ये देखो ये है। सो आज इसको ओपन करते हैं, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में और ये कितना टाइम लेता है हवा भरने में बाइक में। कार्बिस में तो कार का फोटो दिया हुआ है देखो, बट हम कोशिश करेंगे बाइक में भरने के लिए। और इसका कनेक्शन कैसा है देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं आज अभी तक ओपन नहीं किया है। सो ये बॉक्स है, ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है और इसमें ब्रांडिंग हो रखा है ऑलरेडी, ब्लैक कैट लिलीपुट जो कि 12 वॉट डीसी मिनी एयर पंप है। और क्या यहाँ पर दिया हुआ है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मैक्सिमम करंट 6 एम्प्स का, रेटेड पावर 72 वॉट, मैक्सिमम प्रेशर 80 PSI। हमें तो 80 PSI तक भरना भी नहीं है। चलो लेट्स ओपन इट एंड फिगर आउट। एक साल का वारंटी भी लिखा हुआ है इस पर, मुझे पता नहीं एक्चुअली है कि नहीं है। मैंने एक्चुअली ख़रीदा है 1100 रुपये में, 1145 रुपीज़। लेट्स ओपन दिस, देखते हैं क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक कवर दिया हुआ है, कवर को निकालते हैं। ये कोई होज है छोटा सा, एंड पीछे एक और दिया हुआ है जो कि शायद फुटबॉल बास्केटबॉल में भरने काम आता है। एंड दैट्स अबाउट इट, बस इतना सा है। यहाँ पर कुछ ऐसे गेजेस दिए हुए हैं, ऑन ऑफ बटन एंड वायरिंग। अच्छा, कनेक्टर्स ऐसे हैं देखो, तो गेज ऐसा है और ये ऑन ऑफ बटन। इसमें 80 PSI तक का दिया हुआ है जो गेज, एंड कनेक्टर्स ये हैं। बैटरी ब्लैक एंड रेड में, बैटरी पे आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा वायर की लेंथ देखें कितना है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा लेंथ है वायर का। एंड अभी तक आपने सोचा होगा कहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, इसके अंदर एक और पाइप है, ये देखो ऐसा कुछ पाइप है कनेक्ट करने के लिए, जो कि टायर के वाल्व पे कनेक्ट हो जाएगा। बस यही है, लेट्स फिगर आउट कि इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। पहले देखते हैं ये खुल गया, अच्छा खुल गया। इसके बाद हम खोलेंगे ये टूल के निकालने के बाद, ये भी निकल गया, इसको साइड में रख देते हैं। ओके, गाड़ी न्यूट्रल में हो गया है, अब इंजन फायर कर दिया। लेट्स सी, मैं इसको ऐसे लगा के देखता हूँ। ओ, तो ये ऑन हो जाता है, चलो इसको ऑफ करें। अरे यार, चलो ये दोनों लग गया है, गाड़ी ऑन कर देते हैं। आने लग गया यार। नहीं, सो अब आपने देखा कि इसको कैसे कनेक्ट करना है और वो अच्छे से काम भी कर रहा है, बट ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा 32 PSI भरने के लिए आगे वाले टायर में। मैं अभी क्या करने वाला, हवा निकालूंगा आगे वाले टायर का एंड उसमें कनेक्ट करके भरेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मुझे आइडिया नहीं है, वैसे काम कर रहा है अच्छे से, हवा भी आ रही है। लेट्स फिगर आउट।
वैसे मैं हमेशा नाइट्रोजन भराता हूँ, बट ये इमरजेंसी के लिए तो आज एयर भरेंगे। तो अब निकल गया हमारा पूरा हवा इसमें से, और इसको करेंगे हम फिक्स। इसमें फिक्स करने के लिए ऐसे दिया है। ये देखो हो गया फिक्स यहाँ से। अब लेट मी स्विच ऑन। सो लेट स्टार्ट। थर्टी टू 2:10। गाइस आपने देखा 0 से 32 PSI इसको फुल होने में लगा है 2:12। एंड मुझ पहली बार ट्राई किया है, बढ़िया लग रहा है। एक बार दोबारा से प्रेशर चेक कर लेते हैं, एज इन हाथ से सॉलिड है। नाइस नाइस, बढ़िया यार। ये मतलब सिर्फ बाइक के लिए नहीं, अपन कार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और 1145 रुपीज़ में वर्थ है मुझे पूरा लग रहा है, क्योंकि कभी इमरजेंसी पड़ गई ना बड़ा काम आएगा। और मैंने बाकी कोच भी नहीं देखा, ये मेरे को मिला एक्चुअली, तो मैंने को रिव्यूज़ भी नहीं पढ़े। ग्रैंड पिट्स वगैरह मिलते हैं, मैंने रिव्यूज़ भी नहीं पढ़े, बट ये जो है बहुत सही लगा मुझे। नाइस। पंप ढूंढ रहे हो कि आपको ट्रैवल के लिए कोई इमरजेंसी पंप चाहिए, कि कभी भी आपको बहुत ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हो, आई कैन स्ट्रांगली रिकमेंडेड, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है। जब मैंने खरीदा था उन्होंने बोला था 10 मिनट तक लग जाएगा शायद आपको भरने में, बट 32 PSI मुझे में भरने में लग गया ओनली 2:10, जो कि बहुत बढ़िया है। 2 मिनट में आपका फ्लैट टायर फुल हो गया है, 32 PSI का मेंटेन हो गया है, और जो कि एक बहुत बढ़िया डील है। कनेक्टिविटी में दिखा चुका हूँ, जो कि सिंपल है बहुत। इसमें ऐसा कनेक्टिविटी आता है जो कि बहुत इजीली कनेक्ट हो गया। वायर भी इतना है कि देखो वायर का लेंथ भी इतना है कि आराम से आपका रेयर टायर तो पूछो मत, फ्रंट टायर से भी आगे चले जाता है। तो हो सकता है कि कार के, मैं श्योर नहीं हूँ कि कार के अंदर से आपको कार के बैटरी से चारों टायर तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, बट बाइक के लिए एकदम बढ़िया चीज़ है ये। 1145 रुपीज़ में चाहिए तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आपको अगर पसंद आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, और आपको अगर हेल्प करता है ये ब्लॉग, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि हेल्प करेगा मुझे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।